सात दिन में मरने का जब श्राप लगा तो महाराज परीक्षित के पास सुखदेव गोस्वामी आए थे केवल यही कथा सुनाने के लिए। ये कथा ही है जो काल के गाल में गए हुए व्यक्ति को खींच करके जबड़े में से निकाल लाती है, निकाल लाती है। इसीलिए जो व्यक्ति ज्ञानी है, जो बुद्धिमान है, जिसका जीवन धर्म के मार्ग पर है, वो जैसे जैसे समझदार होता है, जैसे जैसे उम्र उसकी बढ़ती जाती है, वैसे ही वो भगवत मार्ग की तरफ धीरे धीरे अग्रसर होता चला जाता है, भगवत मार्ग की तरफ अग्रसर होता है। यही तो कह रहे हैं, यही कह रहे हैं कि जीवन में ये नहीं देखना है कि बूढ़े हो जाएंगे तब भजन करेंगे। क्या रजिस्ट्री करवा के आए हो क्या कि बूढ़े होके मरोगे? कोई रजिस्ट्री नहीं करवा के आया है। कब ये श्वास बंद हो जाएगी, कब ये प्राण निकल जाएंगे, कोई गारंटी नहीं है। इसलिए भजन करो, करो भजन, समय को मत देखो। इसलिए तो बोले ना, म्रियमाणस से किम कर्तव्यम, मरने वाले व्यक्ति को क्या करना चाहिए। तो हम लोग मौत की तरफ ही तो बढ़ रहे हैं ना। अगर हम अपने जीवन में 10 दिन लेकर के आए थे तो एक दिन तो बीत ही गया ना, दो दिन बीत ही गया ना। जैसे 7 दिन की कथा थी, हम लोग 7 दिन के लिए यहां आए हैं, हम लोग 7 दिन के लिए यहां आए हैं आपके यहां, तो 4 दिन तो बीत गया ना। अब तो हम लोग जाने की तरफ बढ़ रहे हैं ना। जब हम जाने की तरफ बढ़ रहे हैं तो हम और प्रसन्न हो रहे हैं। बाबा यहां लोग बर्थडे मनाते हैं, 10 साल के हो गए, 12 साल के हो गए, और धूमधाम से मनाते हैं कि हमारी मैरिज एनिवर्सरी, विवाह का सालगिरह, 20 साल हो गया, 25 साल हो गया, अब दांत टूटने को आए तो 25 साल विवाह मना रहे हैं। बताओ, जैसे जैसे व्यक्ति मृत्यु की तरफ बढ़ रहा है वैसे वैसे वह आदमी मदमस्त हो रहा है। बताओ, इसको बुद्धिमान नहीं कहते, इसको मूर्ख कहते हैं, मूर्ख कहते हैं। अरे एक साल बीत गया तो तुम्हारे जीवन से समय कम हो गया, जल्दी समझो इस बात को और जल्दी भजन में लगो, जल्दी समझो, जल्दी लगो, जितना जल्दी हो सके। इसलिए लिमिटेड समय लेकर के हम लोग आए हैं यहां, उसी में हमें सब कुछ करना है, भजन भी उसी में करना है। महाराज परीक्षित बोले कि गुरु जी क्या करना चाहिए? सुखदेव गोस्वामी बोले, नाम संकीर्तन, पहले श्रवण करो, कथा श्रवण, उसके बाद कीर्तन करो, और उसके बाद भगवत लीलाओं का चिंतन करो, भगवत लीलाओं का चिंतन करो। यही 3 काम बताए।